आज आपको नागौर जिले के डिडौना तहसील से महज 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तोशिना कस्बे में आज से 600 साल पुराना श्री कल्याणनाथ जी महाराज का मंदिर स्थित है। तो चलिए आपको इस मंदिर का दर्शन करवाते हैं। इस मंदिर की खास बात यह है कि पूरे राजस्थान में कल्याणनाथ जी के ओनली दो ही मंदिर हैं। एक राजस्थान में डिग्गी मालपुरा में डिग्गी कल्याण जी महाराज विराजमान है और दूसरी तरफ नागौर जिले के तोशिना गांव में श्री कल्याणनाथ जी महाराज विराजमान है। आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जो चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुँचते रहें। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। अंदर का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। सामने ही युगल छवि के साथ विराजमान है कल्याणनाथ जी महाराज। मंदिर के प्रांगण के अंदर दाईं तरफ शिवजी अपने परिवार के साथ विराजमान है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है, पंचमुखी शिवलिंग सैकड़ों साल पुराना है और ऐसा पंचमुखी शिवलिंग आपको और आसपास में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इस मंदिर की यह खास बात है, यहाँ पर जो भी सच्चे मन से आता है उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। मंदिर के पुजारी जी से इस मंदिर के बारे में और जानकारी लेते हैं। स्थापना कब हुई थी और कैसे हुई थी? यह करीबन 600 साल पुराना है जी। हमने तो सुना है कि ये जो मूर्ति निकाली थी गई थी उस टाइम ये खंडित हो गई थी। हाँ, खंडित है ये। ये हाथ किताब है, पोला लगाया हाथ में। अच्छा, चांदी का लगा हुआ है। तांबा का पोला है, तांबा का है। खंडित मूर्ति है काला पत्थर की। अच्छा, करीबन 30 किलो मेढ़ खुदाई करी, नेड़ता हमारे करी। अच्छा, नेड़ता हमारे को जमीन में निकल दिया हमने। नेड़ते रात को था ना ठाकर हमने पाँच सात मारे। अच्छा, खुदाई करी जिसे हमको बावड़ा ला रात कर। पहले हमारे बड़दादा जी रामचंद्र जी जो करते थे, एक बाद में हमारे दादाजी भवन लाल जी, उस बाद में हमारे पिताजी देवीलाल जी और रामा किशन जी सासा जी, उसके बाद में हनुमान प्रसाद, पवन कुमार, हनुमान लाल,
तो इसे ये मुख्य मंदिर ऐसे है कि जो भी शादी होती है या कुछ भी प्रोग्राम होता है तो यहाँ पे जरूर आना पड़ता है, और कल्याण धनी के पहले आके यहाँ पे ढोल वगैरह देखे, फिर यहाँ से बारात रवाना होती है और फिर वापस आके उनका आशीर्वाद लिया जाता है। मंदिर में विराजमान कल्याण जी महाराज की प्रतिमा अष्ट धातु से निर्मित है। डिगी कल्याण जी महाराज और तोशिनागी कल्याणनाथ जी महाराज में एक ही अंतर है कि डिगी कल्याण जी महाराज की प्रतिमा सफ़ेद स्वरूप में विराजमान है और दूसरी तरफ तोशिनामी कल्याणनाथ जी महाराज सांवले रंग में युगल छवि के साथ विराजमान है। जीर्णोद्धार से पहले मंदिर इस प्रकार का हुआ करता था। इस मंदिर के दाईं तरफ तुलसी माता विराजमान है। आपसे निवेदन है, अगर वीडियो अच्छा लगा कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। Let it be.